नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने कहा, महाराष्ट्र में फंसे बिहार आने के इच्छुक हरेक लोगों को लाया जाएगा वापस। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3010 हुई, 15 लोगों की संक्रमण से हो चुकी है मौत। और गृह मंत्रालय ने स्कूल खोलने की अनुमति देने संबंधी मीडिया की खबरों का किया खंडन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे कोविड 19 महामारी से लड़ाई में देश के संकल्प को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि श्री गांधी झूठ फैलाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं, देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की। स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, वर्किंग अगेंस्ट द नेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, तीसरा हंग्री फॉर फॉल्स क्रेडिट, चौथा से वन थिंग डज समथिंग एल्स, और पांचवा है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता ने पहले कहा था कि लॉकडाउन कोविड 19 का समाधान नहीं है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस शासित राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया। श्री प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए अत्यधिक सक्रिय रहे हैं और वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। उन्होंने कहा कि श्री गांधी ने एनडीए सरकार पर झूठा आरोप भी लगाया था कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। रेल मंत्रालय 85% और राज्य 15% किराए का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के जरिए प्रधानमंत्री ने देश को एकजुट किया और इसका परिणाम यह हुआ कि कोरोना वायरस से अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में कम लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना की कोई दवा नहीं, दुआ है और लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि आईसीएमआर ने खरीद में गड़बड़ी की, इसलिए आईसीएमआर को पहली बार स्पष्ट करना पड़ा कि उसने ऐसी कोई खरीद नहीं की है। श्री गांधी ने राजनीतिक विरोध में ऐसे संगठनों पर झूठे आरोप लगाए। श्री प्रसाद ने कहा कि देश के 11 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है और निजता के मामले में यह पूरी तरह सुरक्षित है। भारतीय रेल बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचा रहा है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 45 लाख प्रवासी कामगारों को भेजा गया है। बहुत बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कि हम श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, और इसमें हमने बहुत बड़े पैमाने में लोगों को अब तक ले जा चुके हैं। ये ट्रेनें सभी राज्यों से, मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, इन सभी राज्यों से चलाई जा रही हैं। 3300 के करीब ये ट्रेन हम चला चुके हैं और करीब 45 लाख पैसेंजर्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा चुके हैं। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि रेल किरायों में रोगियों और दिव्यांगों को ही रियायत दी जाएगी, अन्य यात्रियों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। सभी कंसेशन जो हमारे मेन कैटेगरी के हैं, वो सभी कंसेशन जैसे कि पेशेंट्स हैं, दिव्यांगजन हैं, इनको छूट मिलेगी, लेकिन इन दो कैटेगरी के अलावा जो लोग हैं उनको अभी रिजर्वेशन में कोई छूट नहीं है। जैसे सीनियर सिटीजन है, उनको रिजर्वेशन में छूट नहीं है, लेकिन उनका कोटा निर्धारित है। मतलब ये अगर कोई सीनियर सिटीजन यात्रा करना चाहते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि बहुत बुजुर्ग लोग ट्रेन में चले आजकल, तो इस हेतु हम डिस्करेज करने के लिए अभी हमने कंसेशन ओपन नहीं किए हैं, लेकिन अगर आकस्मिकता के आधार पर किसी को चलना पड़ता है तो उसके लिए कोटा जरूर रहेगा कि वो लोअर बर्थ उनको प्राप्त हो जाए। राज्य सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र में फंसे बिहार के लोगों को वापस लाया जाएगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि जो भी इच्छुक लोग राज्य वापस लौटना चाहेंगे उन्हें लाने की व्यवस्था की जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जितनी संख्या में ट्रेनें भेजना चाहती हैं भेज सकती हैं। इधर आज महाराष्ट्र से 25 ट्रेनें राज्य के विभिन्न जगहों पर पहुंच रही हैं। आज 112 ट्रेनों के माध्यम से 183,000 प्रवासी लौट रहे हैं। कल 79 रेलगाड़ियों के माध्यम से 129,000 लोग आएंगे।
प्रदेश में कोविड 19 के मामलों की संख्या 3000 के आंकड़े को पार कर गई है। आज 42 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3010 हो गई। वहीं राज्य में अब तक 918 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। मृतकों की संख्या 15 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि 23 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौट रहे पूर्वी चंपारण के एक व्यक्ति की ट्रेन में तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मृतक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि अब तक जो मामले सामने आए हैं उसमें 2130 प्रवासी श्रमिकों के हैं। इधर देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 151,767 हो गई है। अब तक 4,333 लोगों की मौत हुई है, जबकि 64,426 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 42.45% हो गई है। विदेश से लौट रहे भारतीयों के लिए होटल क्वारंटीन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों से क्वारंटीन अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्ते भर का अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाए। विदेशों से लौट रहे भारतीयों ने 14 दिन के लिए होटल की अग्रिम बुकिंग कर ली थी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ होटल 7 दिन का अग्रिम भुगतान लौटाने से मना कर रहे हैं, उन्हें केवल 7 दिन का शुल्क लेने का निर्देश दिया जाए। गृह मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों को बेबुनियाद बताया है जिसमें कहा गया है कि सभी राज्यों को स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। मंत्रालय ने इस खबर को पूरी तरह भ्रामक बताते हुए कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है और समूचे देश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने पर रोक जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा 1 जुलाई से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्य या जिले में चले गए हैं वे वहीं से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने पिछले परीक्षा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड 19 महामारी का प्रसार रोकने के लिए लोगों से हाथ धोने और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने की अपील दोहराई है। मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखने, साबुन और पानी से हाथ धोने या अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के प्रयोग जैसे नियमों का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से बाहर निकलते समय फेस मास्क के प्रयोग पर जोर दिया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वे सही सूचनाओं का प्रसार करें और इस बीमारी के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों को जांच कराने के प्रति जागरूक करें। स्टिग्मा को दूर करने की जरूरत है क्योंकि इसकी वजह से लोगों की शीघ्र मदद में देरी हो सकती है जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि वे 2 गज की दूरी का पालन करें। साथ ही उन्हें अपने हाथ, नाक और मुंह को भी छूने से बचना चाहिए। लोगों को तंबाकू सेवन का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो उसे हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करना चाहिए। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर M.K. सेन ने लोगों से लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ये घड़ी एक परीक्षा की घड़ी है। ये वक्त हमें और भी अधिक मात्रा में संयम और सुरक्षा और अनुशासन, ये चीजों का ध्यान में रखना है। जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या स्वच्छता, क्लीनलीनेस, यूज ऑफ मास्क, हैंड वॉशिंग, बाकी जो भी चीजें बतलाई जाती है आमतौर पे, इसको हमें निरंतर इसका पालन हमें करते रहना होगा। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कोरोना वायरस के चलते मेरी आप सबसे अपील है कि अपने तथा दूसरों के बचाव के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखें। जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक ट्रेन से गैर जरूरी यात्राएं ना करें। रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर जहां अधिक भीड़ होती है वहां इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी अधिक होता है, इसलिए अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए इन स्थानों पर जाने से बचे तथा अपनी ट्रेन यात्राओं को पोस्टपोन कर दे। आप जहां भी हैं वहीं रहिए।
कोविड 19 संक्रमित लोगों के संपर्क का पता लगाने और स्व आकलन का मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु ऐप अब ओपन सोर्स हो गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने नई दिल्ली में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पारदर्शिता, गोपनीयता और सुरक्षा आरोग्य सेतु ऐप के प्रमुख सिद्धांत हैं। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है। केवल 41 दिन में ही इसका उपयोग करने वालों की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। म्यांमार नेशनल एयरवेज के एक विशेष विमान से 45 अप्रवासी भारतीय आज गया हवाई अड्डे पर उतरे। हमारे गया संवाददाता ने खबर दी है कि इनमें से 40 लोग बिहार के और 5 झारखंड के हैं। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें होटल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है। झारखंड के लोगों को विशेष वाहन से रांची भेजा गया है। इसी विमान से बौद्ध स्थलों पर फंसे लोगों की यंगून वापसी हुई है। लॉकडाउन की अवधि में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों का जीवन काफी आसान हुआ है। रोहतास जिले के कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव साझा किए। भदोखरा पंचायत के रहने वाले हम लोग के राशन बहुत बढ़िया से मिल रहा है। हम मोदी जी के बधाई देते हैं। क्या जी सिंहुई ग्राम पंचायत भदोखरा से बोल रहा है। हम लोग को जो प्रधानमंत्री किसान को दिए, हम लोग को सभी आदमी को 2000 रुपए मिला हुआ है और राशन भी महीना से अब अच्छा से मिल रहा है। पहले से अच्छा हम लोग है और हम लोग बहुत प्रधानमंत्री का आभारी है। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्रम संसाधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि क्वारंटीन केंद्र में ही नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर मजदूरों का पंजीकरण हो रहा है। पंजीकरण के समय श्रमिकों के कौशल की भी जानकारी ली जा रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। वर्ष 1964 में 27 मई को उनका निधन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी गई। औरंगाबाद जिला मुख्यालय में लॉकडाउन के नियमों के विरुद्ध जाकर एक शॉपिंग मॉल को खोले जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र स्थित एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से अपराधियों ने 1,40,000 रूपये लूट लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने कहा महाराष्ट्र में फंसे बिहार आने के इच्छुक हरेक लोगों को लाया जाएगा वापस। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3010 हुई। 15 लोगों की संक्रमण से हो चुकी है मौत। और गृह मंत्रालय ने स्कूल खोलने की अनुमति देने संबंधी मीडिया की खबरों का किया खंडन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।